जैसे कि हम सभी को पता है, पाइनियर ने रिसेंटली अपना एक नया डीजे कंट्रोलर लॉन्च किया था जो कि था डीडीजे FLX6। बहुत ही अच्छा कंट्रोलर था, लेकिन उसका रिव्यू तो मैंने नहीं किया। अगर आपको डीडीजे FLX6 के बारे में जानना है तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं डीडीजे FLX6 कंट्रोलर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे फीचर्स जो उसके साथ में लॉन्च हुए थे। तो सबसे पहला इफेक्ट था वो है मर्ज इफेक्ट, और दूसरा जो इफेक्ट है वो है जॉक कटर। तो लॉन्च का मतलब ये नहीं कि ये इफेक्ट नहीं था, ये इफेक्ट पहले भी था, लेकिन ये जो दो इफेक्ट है ये कंट्रोलर के साथ में ही आता है। मतलब उसको स्पेशली दो बटन अलग से दिए गए हैं जहां पर आप जॉक कटर मोड एक बटन दबा के कर सकते हो, उसी तरह से मर्ज इफेक्ट जो है वो भी आप एक बटन दबा के घुमा के उसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीडीजे FLX6 नहीं है, आपके पास डीडीजे 400 कंट्रोलर है, तो जी हाँ, ये दो इफेक्ट है आप डीडीजे 400 में कर सकते हैं। डीडीजे 400 नहीं, बाकी के भी कुछ पाइनियर कंट्रोलर में भी ये चीज आप कर सकते हैं, ये इफेक्ट है आप उसको कर सकते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और जैसे कि मैंने कहा था, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मर्ज इफेक्ट के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जॉक कटर मोड के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप डीडीजे 400 में मिनी मैप करके आप जो मर्ज इफेक्ट है उसको आप एक्टिवेट करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड बॉक्स 6 को ओपन कर लिया है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर आपको मर्ज इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। अगर आप पुराना वर्जन थोड़ा रिकॉर्ड बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हो तो शायद मर्ज इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले रिकॉर्ड बॉक्सेस को अपडेट कर लें, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको मर्ज इफेक्ट को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा FX टैब पे, आपको इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर FX टैब को क्लिक करेंगे तो अपना जो FX है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा FX1, CFX और MFX1। तो ये है हमारा मर्ज इफेक्ट। तो इनकेस अगर आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है फिर भी आपको मर्ज इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर में जाने के बाद आपको इफेक्ट्स में जाना है, और आपको यहाँ पर करना है एनेबल मर्ज इफेक्ट्स। तो जब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ से देखिए ये मर्ज इफेक्ट है वो चला जाएगा। तो मेक श्योर कि जो आपका जो मर्ज इफेक्ट है यहाँ से वो एनेबल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है। अगर आपको लैपटॉप से इसको करना है तो आप सिंपली सिर्फ इसको प्रेस करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मर्ज इफेक्ट किस तरह से काम करता है। जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, ये ओरिजिनल ट्रैक है, कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, एकदम प्लेन है। अभी इसको मर्ज इफेक्ट के साथ में करता हूँ, और मर्ज इफेक्ट को मैं यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ, और ये है इसका पैरामीटर जिसको हम बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पैरामीटर बढ़ाते हैं, तो ये है मर्ज इफेक्ट। अभी इसको लैपटॉप से करना तो इजी, आप यहाँ से प्रेस करके इसका जो ये इंटेंसिटी है इसका कम और ज़्यादा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है वो FLX6 में ये ऑलरेडी एक स्पेशल बटन उसके लिए बनाया गया है जहाँ पर आप उसको प्रेस करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन DDJ 400 को, जैसे कि हम पता कि यहाँ पर आपको मर्ज इफेक्ट के लिए कोई भी बटन नहीं है, तो इसके लिए हमको उसको मिडी मैप करना होगा, और कुछ ऐसे बटन्स जो DDJ 400 में है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बटन हम प्रेस करते उसको हम वहाँ पर उसको मर्ज इफेक्ट डाल के उसको एक्टिवेट करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपका जो डीडीजे 400 है सबसे पहले आपको उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके मिडी सेटिंग्स में। तो जैसे आप मिडी में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का जो है ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है डीडीजे 400। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले आपका डीडीजे 400 है वो कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर नहीं कनेक्ट रहेगा तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपका डीडीजे 400 कनेक्टेड नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे बटन्स हैं, ये इसके कोड है। तो इसका मतलब ये है कि सब चीज़ को एक एक कोड दिया गया है कि मैं जब प्ले दबाऊंगा तो कंट्रोलर से रिकॉर्ड बॉक्स में उसका वो कोड जाएगा और वहाँ से वो भी प्ले होगा। तो इस तरह से इसको मिडी मैप किया गया कि हर एक बटन को एक कोड है, एक नंबर है। या डेक वन के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेक वन पे काम करेगा, ये डेक टू पे काम करेगा। तो ये थोड़ा सा
वो हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि ये सारे मीडी मैपिंग है जिसको हम मैप करते हैं बटन्स को उस तरह से यहाँ से कमांड भेजने के लिए रिकॉर्ड बॉक्स 6 में। तो अभी सबसे पहले हमको चीज़ जो करनी है वो है हमको हमारी सेटिंग्स से है उसको सेव करनी है, ठीक है। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप गलती से कुछ और डिलीट कर लेते हो, तो आपकी सेटिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सेव करके रखनी चाहिए। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट दबाना है, और उसको आप कहीं पर भी चाहिए आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, जिससे आप उसको इजीली एक्सेस करके आप वापस से एक्टिवेट कर सकें। लेकिन आपके पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन है, जब आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सारी डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। इन केस अगर डिफ़ॉल्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको जो जो फाइल है आपका वो इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप बैकअप कर लीजिए आपके सेटिंग्स की, कि कुछ गड़बड़ ना हो, आगे प्रॉब्लम ना हो, तो बैकअप कर लीजिए। और फिर अगर गड़बड़ होता, अगर आपको सेटिंग्स पसंद नहीं आती है, तो आप वापस से इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अभी हमको करना है MFX को ऐड, जो कि इसमें ऐड नहीं है, तो हमको जाना है FX में, क्योंकि ये FX है तो हम जाना है FX में। FX में जाने के बाद आपको इसको ऐड करना है, तो हमको डालना है, तो हम ऐड पे जाएंगे और यहाँ देख सकते हो कि MFX1। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमको एक्टिवेट करना है, जिस तरह से मैंने आपको लैपटॉप में करके दिखाया था, पहले एक्टिवेट करना है, फिर उसके बाद उसका पैरामीटर है जो हमको कम करना है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, वो दो बटन चाहिए। तो सबसे पहले हम MFX1 को ऐड कर दें, जिससे हम MFX को ऑन कर सके, जो मर्ज इफेक्ट है उसको ऑन कर सके। और दूसरा है उसका पैरामीटर का बटन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो FX का बटन है, जो जो मर्ज इफेक्ट ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया, मतलब कोई भी बटन को आप मिडी मैप करके आप उसको ऑन कर सकते हो, लेकिन जो पैरामीटर है उसके लिए आपको रोटरी लगेगा। अभी रोटरी क्या है, जो हम ब्राउज करते हैं DDJ 400 में, जब हम ब्राउज करते हैं ट्रैक को, इसको हम रोटरी कहते हैं, जो कि ये घूमते रहता है, ये घूमते रहता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रोटरी का ही बटन आप उसको मिडी मैप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी बटन आपसे आप उसको मिडी मैप नहीं कर सकते, तो उसके लिए रोटरी चलेगा। तो यही एक डाउनसाइड है कि सिर्फ आप एक ही डेक पे ये इफेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हो, लेफ्ट या फिर राइट, आपको जैसे भी चाहिए, आप कोई भी एक डेक पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो, दोनों डेक पे ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है, कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ ये इफेक्ट्स ऐड करना है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको वो दो ऐसी चीज़ है, जो दो ऐसी बटन्स है, उसको हमको डिलीट करना है जो हमको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब जो पैरामीटर के लिए हमको रोटरी की ज़रूरत है, तो जब हम ब्राउज में जाते हैं तो ये सारे जो ब्राउज का ऑप्शन है, ये तो सारे हम हमारे काम के हैं, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। हम अदर में जाते हैं, और अदर में जब हम देखेंगे कि वेव जूम करके एक ऐसा ऑप्शन है, रोटरी लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हम नहीं यूज़ करेंगे, मतलब बेसिकली हम ये शिफ्ट दबा के हम रोटरी को यूज़ नहीं करने वाले, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है वेव जूम करना। तो आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हो, माउस से भी आप उसको कर सकते हो जूम इन जूम आउट। तो इसको हम सबसे पहला करते हैं डिलीट, ठीक है, इसको डिलीट कर लिया। तो यहाँ पर जब आप DDJ 400 पे देखेंगे, जब आप शिफ्ट दबा के, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जब आप शिफ्ट दबा के जब आप ये क्यू बटन दबाते हो, तो आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो जब मैं शिफ्ट दबा के क्यू दबा रहा हूँ, तो इसका BPM जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम इस तरह से BPM चेंज नहीं करते, हम तो चेंज करते तो हम ऐसे ऐसे इस तरह से चेंज करते BPM। तो टैप BPM, तो ये बटन जो है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं हमारे मीडी में, डेक में जाते हैं, और जो टैप BPM है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो टैप BPM डेक 1 का, हम उसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से डिलीट कर लिया। अभी हमको मर्ज इफेक्ट को ऑन करना है और दूसरा पैरामीटर को ऐड करना है। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी हम करेंगे FX में जाते हैं और मर्ज इफेक्ट को क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पर दबाते हैं लर्न, ठीक है। लर्न का मतलब है, अब जो भी मैं बटन दबाऊंगा तो वो बटन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मर्ज इफेक्ट ऑन करने, ऑन और ऑफ करने के लिए मैं शिफ्ट दबा के क्यू दबाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो कि ये अभी MFX ऑन यहाँ पर ऐड हो गया। अभी पैरामीटर ऐड करने के लिए, अभी हम पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और करेंगे वापस से लर्न, ठीक है। लर्न करने के बाद हम दबाएंगे शिफ्ट और घुमाएंगे रोटरी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको कोड आ गया और ये
जो पैरामीटर है वो भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप अब इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कंट्रोलर से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ से और जो मर्ज इफेक्ट है उसको ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी हम रोटरी घुमाते हैं उसका इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। देखा आपने किस तरह से इजीली हमने जो है वो मर्ज इफेक्ट डीडीजे 400 कंट्रोलर में हमने इसको ऐड कर लिया। तो आप कोई भी पाइनर कंट्रोलर में इसको कर सकते हो, जहां पर आपको जो रोटरी का ऑप्शन मिलता है तो आप इसको उसमें भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपका सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले अपडेट होना चाहिए, और दूसरा मर्ज इफेक्ट करने के लिए आपको जो ये रोटरी का ऑप्शन है जो हम घुमाते रहते हैं, वो ब्राउज का ऑप्शन जो हम घुमाते हैं वो चाहिए। पर्टिकुलर चीज़ को हमको डिलीट करना है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर उसमें हमको इस चीज़ को मर्ज इफेक्ट को हमको ऐड करना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम लोग यहाँ पर डीजे के वीडियो डालते रहते हैं, करते रहते हैं, नए नए टेक्निक, नए नए सारी चीज़ें हम इसमें इस चैनल पर करते रहते हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे सभी को रिप्लाई कर देता हूँ, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पर आप मुझे DM कीजिए और मैं आपका जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।